बचाओ। सोने की प्लेट थी, माता का ताज था, और हमारे जो पुराने लोग माता का सिंगार भी चढ़ाते थे माता को, उस सोने के थे हार वार वो। अभी कुछ उसकी बहन ने भी खुलासा किया कि ये चीजें थी, ये उस चीज का तो जिक्र ही नहीं कर रहे। ये प्लाट तो 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ जितने का भी होगा, बड़ी चीज ये है कि सोना, कितने किलो सोना जो वहाँ से गायब किया गया है। हमें हमारा किसी हाल में हमें मंदिर चाहिए, हमारा पूजा पाठ करने का है तो हमें चाहिए, हमें हमारा मंदिर हमें चाहिए। गवर्नमेंट सरकार से भी हम यही कहते हैं कि हमारा मंदिर हमें बना के दिया जाए, तो मंदिर हमें वापस बना के तैयार करके दिया जाए। आपको कोई उम्मीद है कि ये वापस मंदिर बना के दिया जाए? जब आप लोग आ गए तो उम्मीद बन गई। आपने हमारे लोगों पे क्या, हम पर भी जो एक जोश पैदा किया है, और हम, मैंने आपको जैसे बताया कि हमने जान की बाजी भी लगानी पड़ी, हम लगाएंगे, हमारी माता का मंदिर है और हम अपना मंदिर हासिल करके रहेंगे। हमारे धर्म में ये लिखा है, सनातन धर्म में, कि हम जिस जमीन पे पैदा है वो धरती हमारी माए मातृभूमि है, और हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम पाकिस्तानी है। मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए यूट्यूबर प्रोटेस्ट करता हूं उन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट, वो सोशल मीडिया के अगेंस्ट, मेनस्ट्रीम मीडिया के अगेंस्ट, कि आप यहां पे आए और मेरी मेरे साथ खड़े हो। इन लोगों की कम्युनिटी, माइनॉरिटीज हमारे साथ जुड़ी, अब कराची भर से लोग हमारे से रابطہ करने लगे हैं, जहां जहां पे माइनॉरिटीज रह रही हैं वहां पे हम जाके प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अभी हम इससे मौजूद हैं एक और मंदिर में, जहां से हम प्रोटेस्ट को स्टार्ट करेंगे और रोड तक लेके जाएंगे, और यहां पे जो लोगों की सिचुएशन है वो भी जानेंगे, जो मंदिर डिमोलिश का असल कहानी है वो भी जानेंगे, और ये लोग क्या अपनी डिमांड रखते हैं, ये लोगों की क्या आवाज है, वो आवाज हम पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। जी मेरे भाई, कैसे हैं आप? पहले तो सलाम अलैकुम और नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते। रियल टीवी का शुक्रगुजार हूं कि हालांकि दुनिया की इतनी टीवी हमारे पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने एक टिकटॉकर उसको इतने रात ही रात मशहूर कर दिया है। ये इतना बड़ा मसला हमारे मजहब के ऊपर, जिसे किसी टीवी ने, मीडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये शोएब भाई के हम शुक्रगुजार है, जो अपने लाहौर से अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे इस मंदिर के मसले के लिए आए, और हम इनके लिए शुक्रगुजार है। हम इनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे मंदिर का ये जहाँ तक हो पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में आवाज़ पहुँचाए हमारे। ऐसे ही है, और मेरी ये जिम्मेदारी है, ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे पहले बताएं मंदिर जहाँ पे हम मौजूद हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये कौन सा मंदिर है, और फिर हम आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हमारे इस मोहल्ले के चेयरमैन है मंगलू जी, जो ऐसे कि हमारे इस मोहल्ले में मारवाड़ी भी रहते हैं, कुछ घर हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ तकरीबन 20 घर हैं और मुस्लिम लोग भी रहते हैं, तो ये है चेयरमैन। ये इस मंदिर के बारे में हमारे से ज्यादा बेहतर बताएंगे। जी सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आगे जाके फुटेज बड़ी इसी कवर करी, और आगे भी जो मंदिर के हवाले से, जो मंदिर जो डैमेज किया गया है उसके हवाले से भी आप कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं डिग रोड कैंट बाजार, ये रामापीर मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती है, और मारवाड़ी कम्युनिटी भी रहती है, और मद्रासी कम्युनिटी भी रहती है, ठीक है। और मुस्लिम भाई भी हमारे साथ रहते हैं, और अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे यहाँ पे, हम कोई भी त्यौहार होता है अच्छे तरीके से बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। और आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, आपने मुझे ये बताएं कि जब हम पहले यहाँ पे आए, हमने मंदिर के हवाले से कवरी स्टार्ट की, तो हमने देखा कोई हमारे से बात नहीं कर रहा था। इवन अभी यहाँ भी वो लोग वो मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाह रहे थे, सवाल करना चाह रहे थे, तो पीछे पीछे जाया जा रहा था, बात नहीं कर रहे थे। अब खुद कॉल करके बुलाया जा रहा है, और ना सिर्फ मर्द हजरात, बड़ी तादाद में लेडीज भी यहाँ मंदिर में भी मौजूद हैं, बाहर भी अगर कैमरामैन दिखा सके तो बाहर भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इसका क्रेडिट जो है ना आपको जाता है, जितनी मीडिया है जो वर्क कर रही है, तो लोगों के अंदर जो है ना मनोबल बढ़ रहा है, ताकत आ रही है, ठीक है, कि वो आगे आगे अब जो है ना उस चीज के लिए फाइट करें। बिल्कुल, इसका सारा क्रेडिट जो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी को जाता है। आपकी वीडियो से बहुत से लोग मोटिवेट हुए हैं, आज आपके सामने खड़े हैं, अगर कैमरा दिखाए तो। ऐसे ही है, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, और आगे आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इस साइड पे आप आ जाए, यहाँ पे। जी जी जी, अशोक भाई आप बोलो जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते। नमस्ते, वनक्कम। मैं जो है अपने तमिल में स्पीच करना चाह रहा हूँ। जी जी। ना पाकिस्तान सरकार किटे अपील पन रहे हैं, यंगल तो कोयल मारी अम्मन, श्री मारी अम्मन कोयल यंगल को कुर्तुड़े अंगे रेखा नामी पोमले इरकरा अदु कोयल कब्जा पन रहा, यंगल को कोयल कुर्तुड़े, ठीक है ना, पाकिस्तान सरकार किटे अपील पन रहे। अपील है ये, आपने यही शायद अपील किया कि जो मंदिर पे कब्जा किया जा रहा है और रेखा नामी, और अपने तमिल जबान में ये कहा है कि हमें हमारा मंदिर दिया जाए, और रेखा नामी शख्स जो लेडीज है वहाँ पे, उसे अठा के, ये मद्रासी कम्युनिटी की मंदिर है,
हमें दिया जाए, दिया जाए। और मेरा भी यही कहना है जिसका राइट है वो राइट उसे जरूर दिया जाए, ये पाकिस्तान का कानून कहता है। यहाँ पे तादाद बढ़ती जा रही है और बहुत सी चीजें इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी तक इस केस के हवाले से आप नहीं जानते वो बताने वाली हैं, जो कि हम आगे चल के बताएंगे। हम कोशिश करते हैं मंदिर से बाहर जाएं, यहाँ पे जो जिस कंडीशन में ये रह रहे हैं वो कंडीशन भी दिखाएं, क्योंकि तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे जी छोटी सी हमारी जो है ना, आपने इतनी काबिश की है, आप लाहौर से आके यहाँ पे रुके हैं हमारे लिए, और हमारी तरफ से जो है ना आपके सम्मान में एक छोटी सी चीज है, आप उसको स्वीकार करें। जी जी चले जी, जबरदस्त। ये आपकी जो है ना जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। ये मोहब्बत है, ये रिस्पेक्ट है, ये इज्जत है। अगर आप सच के साथ खड़े होते हैं, और मैं ये कहता हूँ सच के साथ क्या खड़ा होना है, आप कम से कम आपकी जो जिम्मेदारी है आवाज़ उठाना, जो भी अपनी लीगल वे में आवाज़ उठाना चाहता है आप उसके साथ खड़े होंगे, तो यकीन माने ये वही लोग हैं, वो पाकिस्तान के लोग जिन्हें शायद इग्नोर किया जाता है, यही कल को पाकिस्तान को महफूज बना सकते हैं, यही कल को पाकिस्तान को मजबूत बना सकते हैं। आए जी बाहर चलते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे बच्चे और बड़े और लेडीज बड़ी तादाद में जो है वो इकट्ठी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मुझे एक ऐसी खुशी हो रही है यहाँ पे आके, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर कोई भी इज्जत कमाना चाहता है, आप यहाँ पे आए, आप ईमानदारी से काम करें, यकीन माने जो आपको कॉल्स आएंगी, जो आपको थ्रेट्स आएंगे, जो आपको परेशानी आएंगी, इनकी इज्जत और इनका इस तरीके से वेलकम कर जब ये करेंगे, तो ये वो सारे थ्रेट्स, वो सब परेशानियाँ, वो सब मुश्किलात आप भूल जाएंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर स्वामी। सागर स्वामी भाई, ये बताएं कि सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहते हैं केस के हवाले से, या ओवरऑल हमारे चैनल के थ्रू कुछ भी आप कहना चाहें केस के हवाले से? तो मैं ये कहना चाहूंगा पाकिस्तान गवर्नमेंट से, इस केस को आप जो है लीगल वे पे लेके जाए। कब तक हम बोलते ही रहेंगे? हाँ। पाकिस्तान मीडिया जितने इदारे हैं वो तश्खीश के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? वो आए वहाँ पे विजिट करें। हाँ। गुनहगार को सजा मिले और जो सच्चे हैं उनको राइट मिले। कब तक ये मंदिर हमारे इस तरह खंडर बन के पड़ा रहेगा? ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना पाकिस्तान की जो है ना एक इमेज खराब हो रही है, और ये उन इदारों के लिए सवालिया निशान है, ये मीडिया वालों के लिए सवालिया निशान है। कि वैसे हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज में ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि मुसलमान बर्मा में क्या है, फलस्तीन में क्या है, पाकिस्तान में मिनोरिटीज की अगर बात करें, तो मैं ये समझता हूँ ये इंटरनेशनल मीडिया में ये चीजें जाती हैं, हमें अपने पाकिस्तान के इमेज का भी ख्याल रखने की जरूरत है। क्या कहेंगे केस के हवाले से, क्या कहेंगे? आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ की अगर बात करें, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रूफ तो हमारे पास है, और अब तो सोशल मीडिया पे उसकी जो रेखा की बहन है वो खुद आके कह रही है कि मंदिर जो है उसके सारे प्रूफ मेरे पास भी हैं, और जो सारी चीजें बोला जिसको चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, उसने कहा है कि मैं एविडेंस प्रूफ भी जो है ना मीडिया के आगे शो भी करूंगी। अच्छा, यानी रेखा जो ये क्लेम कर रही है कि ये हमारा घर था वो उनकी सिस्टर ये कहती नजर आ रही है कि ये मंदिर है, क्योंकि उसको खुदा का डर है, ठीक है, भगवान का डर है। हाँ? इसलिए वो जो आके ये कह रही है कि ये हमारा घर नहीं, ये मंदिर है और मद्रासी ट्रस्ट है। अच्छा, एक बड़ी चीज जो अभी तक इस केस में जितनी भी वीडियोस रिकॉर्ड की गई मेरे चैनल पे या किसी और चैनल पे, वो ये चीज कहीं डिस्कस नहीं की गई कि मंदिर की प्रॉपर्टी तो अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा कितने किलो के हिसाब से सोना था वहां पे, जेवर थे जो कि गायब कर दिए गए हैं, जो माता हैं उनके साथ जो प्लेट होती है, वो जो बताया जा रहा था क्या? सोने की प्लेट थी, माता का ताज था, और हमारे जो पुराने लोग माता का सिंगार भी चढ़ाते थे माता को, उस सोने के थे हार वार, वो तो काफी चीजें, हम तो इसलिए उस टाइम पे थे नहीं, हमारे को अभी जो पता चला है अभी कुछ उसकी बहन ने भी खुलासा किया कि ये चीजें थी, ये उस चीज का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। ये प्लाट तो 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ जितने का भी होगा, बड़ी चीज ये है कि सोना, कितने किलो सोना जो वहां से गायब किया गया है। और पहले भी ये खबर मेरे तक पहुंची, लेकिन मैंने इस पर बात इसलिए नहीं की क्योंकि खबर को तब तक हम नहीं आगे शेयर कर सकते जब तक कोई ऑथेंटिक चीज ना सामने आए। अब रेखा की बहन भी सामने आ चुकी है जो खुद ये कहती नजर आ रही है, जल्द उनका इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलेगा, जो ये कहती नजर आ रही है कि ना सिर्फ वहां से मूर्ति को गायब किया गया, वहां से कहीं और शिफ्ट किया गया, बल्कि वहां पे बड़ी तादाद में सोना था, जेवर था, जो कि वहां से गायब कर दिए गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा नाम सुरेश कुमार है। सबसे पहले तो मैं आपका रियल टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे मोहल्ले में आए और हमारी बात सुनने का
और हमें कुछ कहने का मौका दिया है। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा और सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि इस केस को जो है लीगल तरीके के ऊपर इसकी कार्रवाई की जाए और जिन लोगों ने हमारी माता के मंदिर को डेमोलाइज किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमें दोबारा वहाँ मंदिर में उसकी बनाने में हेल्प की जाए ताकि हम वहाँ जाकर अपनी पूजा पाठ कर सके, क्योंकि वो हमारा पुश्तैनी मंदिर है, ठीक है। वो किसी की जागीर नहीं है, वहाँ पर कब्जा किया गया और अब ये कहा जा रहा है कि ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास एविडेंस भी है, हमारे पास पेपर्स भी हैं कि ये जगह हमारी माता की जगह है, हमारा मंदिर था यहाँ पर, कदीम मंदिर था वो जिसको डेमोलाइज किया गया है। तो मैं सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा, जो भी यहाँ पर हमारे सिंध गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग हैं, MP है, MNA है, उनसे भी अपील करूँगा। अभी तक आपसे किसी ने रابطہ किया, किसी MPA, किसी MNA ने, किसी मिनिस्टर ने, एक पीपल पार्टी के जो जिन्हें हमने बुलाया, रिक्वेस्ट की कि वो आए, लेकिन उसके अलावा किसी ने आपसे रابطہ किया? पीपल्स पार्टी के सिर्फ डॉक्टर राकेश आए थे, लेकिन उनका भी कोई जो है जवाब जो है वो मुतमईन हमें नहीं कर सका है। उसके अलावा तो हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट से कोई बंदा हमारे पास नहीं आया है। हम ये दरख्वास्त करेंगे कि आए, हमसे बात करें, मीडिया से हम जो है ना दरख्वास्त करेंगे कि मीडिया आए, हमारी बात सुने और हमारी बात को आगे तक लेकर जाएं ताकि इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो सके, कानूनी कार्रवाई हो सके। और जिंदाबाद। और जैसे जैसे हम इस केस में डीप स्टडी में जा रहे हैं, बहुत सी ऐसी गुथियां सॉल्व होती नजर आ रही हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो हमें क्लियर होते नजर आ रहे हैं कि जो इस केस को बनाया गया है। खबर के मुताबिक पहले जोन सा है कि इसे एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, पहले भी 2015 में इसे सेल करने की कोशिश की गई, फिर प्रोटेस्ट हुआ, फिर ये रुका, अब फिर सेल करने की और यहाँ पे बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगी आप इसके ऊपर, आपका आप बताएंगी? अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहती हूँ, देखो मेरे वाली साहब थे, मेरे ससुर, हम भी पुजारी खानदान से। अच्छा। हाँ, और उन उस टाइम पे मीडिया भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, उन्होंने इनको ये रोक के आई है उनके पास कि हमारे पास जगह नहीं है, हमें दे दो रहने के लिए, हम पूजा पाठ भी करेंगे और आपका मंदिर भी संभालेंगे, ठीक है। उनके पास वो उनका इंतकाल हो गया और हमारे कोई बड़े है नहीं रही है, ठीक है, जिनके पास सबूत है। सबूत तो है हमारे पास अभी भी कि ऐसे के नहीं है, मगर आपको क्या चाहिए? अब तो रेखा की अपनी बहन ये बोलती नजर आ रही है, रेखा की बहन ने भी बोला, वो भी हमने रात को सुना है, मगर ये हमें ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा मंदिर हमें चाहिए। गवर्नमेंट सरकार से भी हम यही कहते हैं कि हमारा मंदिर हमें बना के दिया जाए। ठीक हो गया, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? इधर आ जाए, आप इधर आए, क्या कहना चाहेंगी इसके ऊपर? मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहती हूँ मंदिर हमें वापस बना के तैयार करके दिया जाए। आपको कोई उम्मीद है कि ये वापस मंदिर बना के दिया जाएगा? जब आप लोग आ गए तो उम्मीद बन गई है। बहुत शुक्रिया। देखें, ये मैं अकेला यहाँ पे आया हूँ जी। आपका अल्लाह आपको से और तरक्की देवे, ठीक है, बहुत आगे ले जावे। आप हमारा साथ दे रहे, अल्लाह आपका भी साथ देगा, मगर आपने हमारी आवाज़ बहुत दूर तक पहुँचाई, हम आपके बहुत शुक्र अदा। मैं ये मेरा इसमें शुक्र अदा करने वाली बात नहीं, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पे आवाज उठाऊं, लेकिन साथ ही साथ तमाम मीडिया वालों से आज फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई यहाँ पे आप आए, इन लोगों की बात सुने। आप अगर बात सुनेंगे, इससे पाकिस्तान का भी फायदा होगा, इन लोगों का भी फायदा होगा और आपके चैनल्स का भी फायदा होगा। मैं फिर से यूट्यूबर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं फिर से मेन स्ट्रीम मीडिया को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। आप अगर नहीं आएंगे तो आने वाले दिनों में मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। और अभी कुछ टाइम के लिए हम वेट करेंगे, मीडिया यहाँ पे आए, कवरेज करे। अगर मैं एक अकेला यहाँ पे आके आवाज उठा रहा हूँ और अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं कुछ गलत बात कर रहा हूँ, अगर मैं खबर को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, तो मुझे आए, मुझे पकड़े, मेरी तफ्तीश करें। लेकिन अगर मैं इन लोगों की, इन गरीब लोगों की, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज की आवाज उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बजाय मुझे कॉल्स करने के, डायरेक्ट यहाँ पे आया जाए, बात की जाए, जो सच है, जो हक है, उसकी आवाज आगे लाई जाए और फिर उनको उनका हक दिया जाए। ठीक हो गया। आए जी, अच्छा अभी हम नारा लगाएंगे जी, ये मंदिर बचाओ पाकिस्तान बचाओ। मैं बोलूंगा मंदिर बचाओ, आप बोलेंगे पाकिस्तान बचाओ। मंदिर बचाओ, पाकिस्तान बचाओ। मंदिर बचाओ।
बचाओ, मंदिर बचाओ, ठीक है। अच्छा आप क्या कहेंगे, अभी हम यहाँ से प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, रोड तक जाएंगे प्रोटेस्ट। जी 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 आंटी, आप क्या कहेंगी? आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा साथ दे रहे, मदद कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें हमारा किसी हाल में हमें मंदिर चाहिए, हमारा पूजा पाठ करने का है तो हमें चाहिए, हमें बिल्कुल बूढ़ा हो गया हमारे थोड़े हमारे। अच्छा उठा के ले जाएंगे, आपकी इतनी एज है, आप वहाँ उस मंदिर में जाती थी पूजा के लिए? सच नहीं जाते थे, कभी कभी जाया, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जाते। पर जो अभी उस मंदिर की कंडीशन है, छोटा सा वो कमरा बनाया गया है मंदिर की, उसे जगह दी गई है, क्या जो दूसरा जिसका प्लॉट क्लेम किया जा रहा है, क्या वो भी मंदिर आपने देखा, वहाँ पे पेड़ लगा? देखा था मंदिर है, तेल संदूक सब चढ़ाते है, हमारा भगवान का है, माता का है, वाले माता का है हमारा, ऐसा नहीं होना चाहिए, घर बनाना थोड़ी इसके ऊपर। वहाँ पे जो मूर्तियाँ मौजूद थी, क्या अभी सारी मूर्तियाँ वहाँ पे मौजूद है? अभी मौजूद तो नहीं है, मौजूद नहीं है उधर, ठीक है, मौजूद नहीं है, घर चीज नहीं है वहाँ पे, छुपा दी मूर्तियाँ बोल रहे हैं, ये सुना वहाँ से मूर्तियाँ छुपा ली लोगों ने, छुपा ली गई हैं। अच्छा क्या जी 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 सिंगर अनिल स्वामी जी, आप आएंगे, आप क्या कहेंगे, आप यहाँ इन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप इन लोगों की आवाज आगे तक पहुँचाते हैं, मुझे बताएं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी, आपसे थोड़े तल्ख सवाल करूंगा, आप जिस पार्टी के हैं या जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, क्या आप उनके पास जाके नहीं बोलते कि भाई ये इतने लोगों का मसला है, इस मसले को हल किया जाए? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है जो हम अकलियत वाले जितने भी रहते हैं, जितने भी हमारे तमाम मंदिर है, हमारा साथ दें, जो ये हमारे मंदिर को डैमेज किया गया है, मंदिर को दोबारा रिकंडीशन बनाया जाए। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, ठीक है, हम गरीब लोग हैं, ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा हुक्म दिया जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। और एक चीज जो मैंने नोट की है, यहाँ पे हर एक मिनट बाद, दो मिनट बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा लगता है, ये भी एक अपने अंदर ही सवालिया निशान है कि भाई बार बार अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है तो इसके पीछे नोट करने वाले, ऑब्जर्व करने वाले ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, मुस्लिम और हिंदू को लेकर मतलब इंटरनेशनल मीडिया पे जब तक चीजें क्लियर नहीं की जाएंगी तो चीजें सामने नहीं आएंगी। जब ये खबर चली मुझे खुद ऐसा लगा कि शायद मुस्लिम्स ने मंदिर को डैमेज किया है, डिमोलिश किया है, लेकिन यहाँ पे आए तो पता चला रेखा नाम की एक लेडी है जो कि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, अभी शायद खबरों के मुताबिक मुस्लिम हो चुकी हैं या अपना कन्वर्ट कर चुकी हैं, आपने भी ऐसा बोला, क्या कहेंगे मुस्लिम आपको कहाँ पे खड़े नजर आते हैं इस केस में? नहीं, ये तो सबसे बड़ा अफसोस इस वाक्य में ये है कि जितने हमारे मुसलमान भाई है वो तो हमारे फेवर में है, ठीक है, और जो हमारी जो जिसको हमने हिफाजत के लिए मंदिर में रखा, हाँ, उसी ने जो है चंद पैसों के लिए जो है ना वो बिक गई और मंदिर को उतना जो है ना निस्बो नाबूद कर दी, ठीक हो गया। ये बहुत आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं तो पहले तो ये कि जय श्री राम और अस्सलाम वालेकुम, रियल टीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है, कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर लाहौर से यहाँ कराची है हमारे हमारी माता मंदिर टेंपल के लिए, ठीक है। हिंदू मुस्लिम का यहाँ पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, हमारे को सारे त्यौहार आज़ादी से मनाने दिया जाता है, ठीक है, हमारे मोहल्ले में भी आप किसी भी मुस्लिम भाई से पूछ सकते हैं, हमारे भाई हैं। अच्छा अभी यहाँ पे एक मैं बात करूंगा कि आप हमारे, इन्होंने बोला मुस्लिम हमारे साथ खड़े हैं, नो डाउट मैं भी एज ए मुस्लिम यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं फ़खर से कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं ये भी फ़खर से कहना चाहता हूँ कि मैं इन भाइयों के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी मिनोरिटीज़ अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूँ। मैं ये सवाल करता हूँ अभी, मुझे ये जितने भी लोग बड़ी तादाद में खड़े हैं, मुसलमान कौन है इनमें से मुझे बताइए? आप मुसलमान हैं जी? जी जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? इधर आ जाए आप, मोहम्मद उस्मान भाई, क्या ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये हिंदू भाई? सर ये अपने हक के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल इनका हक है, जो हुआ गलत हुआ इनके साथ, जिन्होंने भी किया, मगर गवर्नमेंट हाई कोर्ट तक ये बात इधर थोड़ा इधर आ जाए, गवर्नमेंट तक बिल्कुल बात जानी चाहिए, लेकिन ये एज ए मुस्लिम आपको, आपके ऊपर एक सवालिया निशान नहीं है कि पूरी कम्युनिटी में से, पूरे मोहल्ले में से आप अकेले यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी मुसलमान भाई किधर हैं? सर वो भी सामने भी मुसलमान खड़े हैं, ठीक है, भाई को। अच्छा अच्छा, क्या नाम है इनका? इकबाल भाई। चले इकबाल भाई भी आते हैं, बात करते हैं, क्या कहेंगे कि ये जो इस तरीके से गवर्नमेंट बात नहीं सुन रही, यहाँ की इंतजामिया बात नहीं सुन रही, एक मंदिर ये बताएं, अगर हमारी मस्जिद को कोई हल्का सा भी खराश आती तो क्या हम ऐसे खड़े होते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हम क्या क्या कर देते, आगे जाते बिल्कुल नहीं, जहाँ तो क्या इनका हक नहीं है, क्या इनकी जो इबादत की जगह है उन्हें वापस मिले, ये इनका हक नहीं है? इनका हक है बिल्कुल, एहतजाज करना हर बंदे का हक, बिल्कुल पूरा मन एहतजाज करना, पूरा मन एहतजाज हक है, ठीक है। आप क्या कहेंगे जी, आप एहतजाज तो कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बात आपकी सुनी जाएगी या सुनी जा रही है? हमेशा हमारी बात गवर्नमेंट ने सुनी है और हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं, हमेशा हमारे मंदिरों की हिफाजत की गई है, जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है हमें इंसाफ हुआ है, लेकिन ये हमारे घर के ही लोग हैं और इन्होंने इस दफ़ा ऐसा कर दिया है तो बड़ा शर्मनाक वाक्य है, उन्हें शर्म आनी चाहिए रेखा को, कि इस तरह उसने किया,
कोई दूसरा करता तो हम करते कि ये हमारे अपने ही हो के हमारे अपने ही दुश्मन बन गए हमारे, तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से एक बार फिर अपील है हमारा साथ दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, जहाँ हम गलत है हमें सजा दी जाए, अगर वो गलत है उसे सजा दी जाए। हम भी यही कहते हैं, आप आए यहाँ पे आके आप तफ्तीश करें, यहाँ पे आके आप इन्वेस्टिगेशन करें, अगर ये लोग गलत हैं मेरा काम है आवाज़ उठाना, अगर ये लोग गलत हैं तो मैं मीडिया के साथ या जो लोग भी साबित करेंगे उनके साथ खड़ा होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इकबाल। इकबाल साहब, बड़ी खुशी हुई कि आप इनके साथ यहाँ पे खड़े हैं। मुझे बताएं आप क्या समझते हैं इस वाक्य को लेकर, जो ये वाक्य हुआ है मंदिर वाला? गलत हुआ है, ठीक है, किसी के कब्जा नहीं। तो फिर ये यहाँ पे ये हिंदू कम्युनिटी प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है, अगर हमारी मस्जिद को खराश भी आती तो क्या हम चुप रहते? नहीं, चुप नहीं। तो फिर करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो हम लोग इनके प्रोटेस्ट में शामिल क्यों नहीं हो रहे उस तरीके से? मतलब सारे शामिल है ना, सारे लोग। ठीक हो गया। क्या वजह है कि जल्दी से इशू क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा, ये जो मसला है क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा? चार पांच दिन तो हमें यहाँ पे मौजूद है कि हम ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, उसको सॉल्व करना है, ऐसे कब्जा। ठीक हो गया जी। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिंगर अनिल स्वामी है। सिंगर? जी जी है। आप क्या गाते हैं या क्या? बेसिकली हम भजन गाते हैं माता के। और मैं जितने भी यहाँ मेरे भाई लोग हैं इनकी सबकी यही आवाज है कि माता के लिए जान की बाजी भी लगाएंगे हम, अपने सोए बाग फिर जगाएंगे। बोलो जय हिंग लाज, बोलो जय हिंग लाज, बोलो जय हिंग लाज, कहो जय हिंग लाज। और दूसरी बात के आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हमारे लिए, आपने आवाज़ उठाई। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रेखा शख्स है उसको जो है बहुत ज़्यादा कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और वो कहती है कि मैं राजपूत हूँ, आपको उन्होंने बताया था कि मद्रासियों का कम्युनिटी का ये मंदिर नहीं है और मैं राजपूत हूँ, तो राजपूत का मारी माता से क्या कंसल्ट? वो एक तमिल देवी और हम सब तमिल लोग हैं, तो मारी माता जो है तमिल देवी है, तो गुजरात से उसका क्या ताल्लुक? तो वो झूठ बोल रही है। मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि वो हर जो भी उसके पास मीडिया आ रही है उसको वो अलग अलग बयान दे रही है, आप उनके बयान सुने और वो अपने बयान में खुद फंस रही है। और पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, आपने जो ये भी बोला है, जो अभी आपने गीत गाया है, बहुत खुशी हुई है। लेकिन मैं पहले ये जब कवर कर रहा था लोग डरे डरे से लग रहे हैं, अब आप कॉन्फिडेंस बड़ा एनर्जी में लग रहे हैं, यहाँ पे लोग यहाँ पे तादाद में बड़ी तादाद में मौजूद है, यहाँ पे ये लेडीज मौजूद है, क्या वजह है आपको? मैं कहना चाहूंगा, आपका शुक्रिया कहूंगा कि आपने जो है हमारे लोगों के अंदर एक जोश पैदा किया है, नहीं तो लोग समझ रहे थे कि हम मंदिर के लिए प्रोटेस्ट करेंगे या धरना देंगे तो हमारे को जो है कोई मार देगा या हमारे घर पे तशद्दुद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने हमारे लोगों पे क्या हम पर भी जो है एक जोश पैदा किया है, और हम मैंने आपको जैसे बताया कि हमने जान की बाजी भी लगानी पड़ी, हम लगाएंगे हमारी माता का मंदिर और हम अपना मंदिर हासिल करके रहेंगे। जबरदस्ती, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने यहाँ पे, आपसे ये सवाल करूंगा, आप यहाँ सीनियर हैं, इधर मेरे साथ आ जाइए, यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं जहाँ मंदिर का ये वाकया पेश आया है, जिस मंदिर को डिमोलिश किया गया है, आप कहते हैं वो आपकी माता का मंदिर है, वहाँ पे जाके क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? वहाँ हम गए थे। अच्छा। उन्होंने पुलिस मोबाइल खड़ी करी हुई है और उट पड़ांग जो हरकतें करती है, दूसरी बात यह है कि वो किसी न किसी चीज का इल्जाम लगाती है। अब हमारे साथ कुछ जवान लड़के भी हैं, कुछ किसी केस में ये नहीं कि पुलिस को बोल के लड़कों को मारपीट कर दे या फंसा सकते। पुलिस अंधी है, मतलब हमारा जो अदारे हैं, हमारे कानून है, उन्हें चीज समझ नहीं आ रही कि एक साइड पे एक खातून है वो इस तरीके से कर रही है, दूसरी साइड पे कोई पूरा मन प्रोटेस्ट कर रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, आप क्या वहाँ जाके लड़ते हैं या क्या कहते हैं कि जबरदस्ती जगह पे कब्जा करते हैं आप? दरअसल पुलिस को उसने गुमराह की हुई, जिस तरीके से पुलिस को बताया गया है कि मेरे पे ये हमला करने आ रहे, मेरी को जान का खतरा है, ठीक है, इस वजह से जो है ना वो पुलिस उसको सपोर्ट कर रही है। अच्छा, ये वजह पुलिस सपोर्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे मैं पुलिस को भी ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे अदारों को ये कहना चाहूंगा कि एक आम बिल्कुल, जब से हम ये इस केस को लेके चल रहा हूँ मुझे समझ आ रही है रियलिटी क्या है, लेकिन मेरा काम सिर्फ आवाज उठाना है, आपका काम है इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करना और जो गलत है उसे सजा देना। क्या आपका नाम क्या जी? सर सुरेश राज नाम है मेरा, मैं भी मद्रास कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा सीमा जी के, आपने तो बहुत सारे वीडियो बनाए, आपको खुद को पता होगा हकीकत क्या है और हमारी पाकिस्तान आवाम को पता होगा हकीकत क्या है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। हम कहते हैं कि हमें बस इंसाफ चाहिए, हम अपने इंसाफ के लिए सब कुछ करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही बात है, ये आपका हक है, आप पूर अमन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी मंदिर के लिए, जैसे मैं अपने मस्जिद के लिए बहुत दर्द रखूंगा ऐसे ही मंदिर के लिए भी आप दर्द रख सकते हैं। लास्ट में जी जी, आप भी मुसलमान भाई हैं, क्या नाम है आपका? कामरान नाम है। कामरान
भाई ये देखें, ये कम्युनिटी हमारे भाई हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं 4-5 दिन से कवर कर रहा हूँ, कभी यहाँ, कभी कहीं, कभी किसी सोसाइटी में जाके कवर कर रहा हूँ। इनके साथ हम लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे उस तरीके से? हमारा मीडिया क्यों नहीं आ रहा? ये बताएं, अगर मस्जिद से, अल्लाह ना करे, मस्जिद को कोई नुकसान होता है कहीं पे, तो क्या कोई मीडिया चुप रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ पे क्यों चुप है? गलत है ना ये? क्या कहेंगे आप क्या समझते हैं, इनका हक है या फिर ये वैसे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, इनका हक बनता है। ठीक है, इनका हक है, इनका हक है। ठीक हो गया जी। सर देखें, जब कश्मीर में वाकया हुआ, इंडिया से किसी हिंदू ने या किसी भी ने कुरान के बारे में जब कुछ गलत कहा, तो हम यहाँ पे खड़े हुए हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, हमने वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड भी करवाया कि हम हिंदू हैं पर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार करते हैं। हम जो को अपना जो भी मजहबी किताब है, मजहबी किताब है, इस्लाम है, दीन इस्लाम है, उससे हम मोहब्बत करते हैं क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं। और हमारे धर्म में ये लिखा है, सनातन धर्म में, कि हम जिस जमीन पे पैदा हैं वो धरती हमारी माए मातृभूमि है। और हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम पाकिस्तानी है। हमारे पैदा होने की निशानी ये है कि हम इस जमीन पे पैदा हुए हैं और यही हमारी निशानी, हम पाकिस्तानी है। ठीक है, और ये देखे जिस तरीके से फखर से कहते नजर आ रहे हैं कि हम पाकिस्तानी और हम जिस भूमि में पैदा हो वही हमारी निशानी होती है, तो ये उनकी निशानी को बरकरार रखा जाए। लेडीज में से आप कुछ या कोई भी कोई बात करना चाहिए? जी जी जी, क्या बात करना चाहती हैं आप? जी, आप क्या कहना चाहती हैं? कि हम मद्रास, हम हिंदू है। जी जी जी, मद्रासी है। जो भी हाँ हाँ बोले, आप मद्रासी में। हमारे को मंदिर चाहिए। हाँ हाँ, हमारे को मंदिर चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। चाहती हूँ गवर्नमेंट से, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें ये मंदिर चाहिए, और सूरत में हमें चाहिए। आप पहले कभी वहाँ पूजा के लिए गई थी? कितनी दफा आप गई हैं? गए मगर वो कुछ नहीं देती थी ना किसी को, पूजा करने नहीं देती, कहती बाहर से बस माथा टेको और जाओ। अच्छा अच्छा, बाहर गली में ही? वहाँ जैसे रहते हैं सोलदा बाजार में, उन लोग, हम बोलते हैं मद्रासी में हमारी माता, वो बोलते हैं शीतला माता। ठीक है, वो उनको भी नहीं जाने देती, बाहर से बोलती बस दुआ करो और माथा टेको और निकल जाओ, तो कैसे जाएंगे हम? यही चीज है जो कि हमें देखने की जरूरत है। और मैं फिर से बार बार ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आए और फिर से दोबारा मंदिर बचाओ, मंदिर बचाओ, पाकिस्तान बचाओ, मंदिर बचाओ, पाकिस्तान बचाओ, मंदिर बचाओ, पाकिस्तान बचाओ, मंदिर बचाओ, पाकिस्तान बचाओ। यहीं पे हम प्रोटेस्ट के तौर पे यहाँ वॉक कर रहे हैं और यहाँ पे मैं वीडियो को इस तरीके से एंड करूंगा कि मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर बैठ के मैं ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ कि मैं अपने तौर पे बैठ रहा हूँ, आप बैठे हैं या ना बैठे, मैं ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की मीडिया के लिए, ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के लिए कि देखें मैं आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, अगर आज मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आप भी आए यहाँ पे आवाज़ उठाएं, सच के साथ खड़े हों, जो आपको सच लगता है, लेकिन कम अज कम इस केस को उठाया जाए। अगर हम नहीं उठाएंगे, सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती, इवन छोटी बात को बड़ा करके बताया जाता है, तो ये टाइम से बजाए कि छोटी बात को बड़ा करके बताया जाए, इस मंदिर के इशू को हिंदू मुस्लिम का इशू बनाया जाए, मेरी रिक्वेस्ट है कि आए, जो हकीकत है वो दुनिया को दिखाएं और इस मंदिर के इशू को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए यूट्यूबर प्रोटेस्ट करता हूँ उन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट, सोशल मीडिया के अगेंस्ट, मेन स्ट्रीम मीडिया के अगेंस्ट, कि आप यहाँ पे आए और मेरे साथ खड़े हो, इन लोगों की आवाज बने और इस इशू को जल्द अज जल्द सॉल्व करें और अपने प्लेटफॉर्म पे जितना हो सकता है इस इशू को सॉल्व किया जाए, मिशन सेव मंदिर को सक्सेसफुल बनाया जाए, इस मिशन सेव मंदिर को हाईलाइट किया जाए अपने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप जितने लोगों तक, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं जरूर करें। जिंदाबाद, इंसाफ हमें मिलते रहेगा, इंसाफ हमें मिलेगा, इंसाफ हमें मिलेगा, इंसाफ हमें मिलेगा। है तो खाना मजे का, लेकिन एक किशोर भाई मैं आपको आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप मुझे चिकन खिला रहे हैं, ठीक है, ये ना हो कि आप मुझे फंसा दें कि भाई ये चिकन खा रहा है आप लोग क्यों, मतलब जो मैंने सुना है कि आपके धर्म में चिकन वगैरह या मतलब ये चीजें नहीं खाई जाती। बिल्कुल जी जी, दरअसल ऐसा है कि हम जो हमारे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे फिरके बताया आपको, ब्राह्मण फैमिली, वो बिल्कुल नहीं खाते,
हम भी नहीं खाते, जैसा हमारा कोई रोजे आते हैं या कोई त्यौहार आता है उससे हम दो महीना पहले महीना पहले हम छोड़ देते हैं ये है। कोई मांस मच्छी कुछ भी नहीं खाते हैं। उसमें ये नहीं वेजिटेबल जी ठीक हो गया ये अब ये लेकिन ये खाना बड़ा मजेदार है। ये आपने क्या बनाया? ये कलेजी बनाई। आपने बनाई? जी मैंने बनाई। अच्छा जबरदस्त। आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये जो खाना है खासतौर पे वेज और नॉन वेज का जो कंसेप्ट है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इन्हें दे दें। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमारे साथ इतना बड़ा प्यार बांटा, आप हमारे पास भी दूसरे चल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, ठीक है, और आप हमारे घर में बैठ के खाना भी खा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही है, आप लोग नहीं खा रहे। हमें भी खुशी हो रही है। आपका बड़ा शोर गुजार है, ठीक है, आपने हमारे बैठ के खाना खाया। दूसरी बात, आप जो खाने का बोल रहे हैं